मुनमुन दत्ता टीवी एक्ट्रेस और एक बेहतरीन मॉडल हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में बहुत सारा काम किया है, लेकिन बबीता जी के किरदार में उनकी पॉपुलैरिटी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में मुनमुन दत्ता ने कहा था कि उन्होंने मस्कारा, लिप टिंट और ब्लश लगाया है क्योंकि वो यूट्यूब पर आने वाली हैं और अच्छी दिखना चाहती हैं। इसके बाद उन्होंने एक जाति का नाम लेकर कहा था कि वो उनकी तरह नहीं दिखना चाहती। मुनमुन दत्ता के इस वीडियो पर बवाल मच गया है। दरअसल एक्ट्रेस के रेसिस्ट कॉमेंट के इस्तेमाल के कारण अब उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। मामले में मुनमुन की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब मुनमुन विवादों में घिरी हो। एक्ट्रेस कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा बन चुकी हैं। बता दें कि मुनमुन दत्ता का जन्म पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 18 सितंबर 1987 को हुआ है। एक्ट्रेस 33 साल की है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री ली है। मुनमुन का बचपन कोलकाता में बीता है। वो बचपन में सिंगर भी थी। मुनमुन आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए गाने गाया करती थी। वेल साल 2017 में जब देश में मीटू मूवमेंट ने जोर पकड़ा था, तब मुनमुन के खुलासे ने भी सबको चौंका दिया था। मुनमुन ने बताया था कि उनके चचेरे भाई ने उन पर गलत नजर डाली। यही नहीं, जब एक्ट्रेस 13 साल की थी तब उनके ट्यूशन टीचर ने उनके अंडरपैंट्स में अपना हाथ तक डाल दिया था। मुनमुन ने बताया था कि उनका एक और टीचर क्लास में लड़कियों के ब्रा स्ट्रैप को खींचता था। इसके अलावा मुनमुन दत्ता किसी समय अरमान कोहली के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है। साल 2008 में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरमान कोहली और मुनमुन दत्ता वैलेंटाइंस डे के दिन झगड़ा कर गए थे। इस दौरान अरमान कोहली ने मुनमुन दत्ता पर हाथ तक उठा दिया था। मुनमुन ने इसे लेकर अरमान की शिकायत पुलिस तक में दर्ज करवा दी थी। इसके अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी पर सबसे लंबे समय से टेलीकास्ट होने वाला सीरियल में से एक बन चुका है। कुछ साल पहले ही ऐसी चर्चाएं हुई थी कि मुनमुन दत्ता के शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी से अनबन हो गई है। यही नहीं, कहा तो ये भी गया कि दोनों के बीच बातचीत भी बंद है। हालांकि ये चर्चा ज्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों सीनियर एक्टर्स ने समझदारी से काम लिया। मुनमुन दत्ता के साथ एक विवाद ये भी जुड़ा है कि जब वो सेट पर कई बार गुस्सा हो जाती हैं। बताया जाता है कि उन्हें फिजिकल टच बिल्कुल पसंद नहीं है। शूटिंग के दौरान अगर कोई ऐसा शॉट आए जहां उन्हें कोई छू रहा हो तो एक्ट्रेस चिढ़ जाती हैं। बताया तो ये भी जाता है कि इस कारण डायरेक्टर से भी उन्हें कई बार अनबन का सामना करना पड़ चुका है और कई बार डायरेक्टर्स ने उन्हें एपिसोड से आउट भी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ साल पहले एक शॉट होली का खेलने वाला था। मुनमुन ने साफ इनकार कर दिया था कि उन्हें कोई रंग नहीं लगाएगा। तब डायरेक्टर के लाख समझाने पर भी जब वो नहीं मानी तो उन्हें एपिसोड से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक्ट्रेस के करियर की बात करें तो टीवी पर साल 2004 में एक्ट्रेस ने हम सब बाराती से एक्टिंग डेब्यू किया। मुनमुन ने कमल हासन की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस से साल 2005 में बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। वेल दोस्तों, मुनमुन दत्ता की इन कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि रेसिस्ट कॉमेंट करने पर एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को जेल होनी चाहिए या नहीं, आप हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।